आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग द साइक्लिक वेरिएशंस। साइक्लिक वेरिएशंस हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं टाइम सीरीज के, यानी ऐसे डाटा की जिसे हम लोग टाइम के मुताबिक यानी वीक डेज मंथ्स या ईयर के मुताबिक कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास साइक्लिक वेरिएशंस आती हैं, साइक्लिक वेरिएशन का मतलब है एक साइकिल को वो हमारे पास फॉलो करता हो, यानी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया फिर उसी साइकिल के मुताबिक ऊपर गया और नीचे। ये हमारे पास यूजुअली जब बिजनेस का हम डाटा देखते हैं टाइमली, तो उसमें हमारे पास साइक्लिक वेरिएशंस आती हैं। एनालाइजिंग द साइक्लिक वेरिएशन का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास टाइम सीरीज में क्या होता है, चार कंपोनेंट होते हैं, ट्रेंड होता है, सीजनैलिटी होती है, साइक्लिक होती है और रेंडमनेस होती है, जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेटिव ले रहे हैं कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसमें जो सिंपली साइक्लिक को निकालना कि इसमें साइक्लिक वेरिएशन क्या है, जो ये पूरी सीरीज हमारे पास गिवन है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसके लिए, हम लोग एनालाइजिंग द साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं। इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसको समझने के लिए हम एक डेटा लेते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है ईयर और क्वार्टर पर, हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 3 सालों का डेटा है और हर साल को 4 क्वार्टर्स में हमने डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर वाई जो है वो वैल्यू गिवन है, यानी हमारे पास TSC1 जो यानी हमारे पास टाइम सीरीज है वो गिवन है। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या होती है, ट्रेंड वैल्यू होती है, जो बताती है कि हमारे पास कितनी अपवर्ड है या डाउनवर्ड जा रहा है। सीजनैलिटी जो क्वार्टर और मंथली वाइज हमारे पास हम लोग जब चेंज देखते हैं जो आ रही होती है सीजन साइक्लिक, जो एक साइक्लिक को अगर फॉलो कर रहा हो, और आई जो रेंडमनेस आती है डाटा को कलेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास टी गिवन है, ट्रेंड गिवन है और सीजनैलिटी गिवन है। हमारे जो इसमें हमारे पास जो होता है सीजनैलिटी एस और आई जो होती है ये क्या होता है, ये हमारे पास परसेंटेज में यूजुअली वैल्यूज़ होती हैं, जबकि टी जो है वो सिंपल हमारे पास उसी यूनिट्स में होता है जिसमें हमारे पास डेटा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों ने ये कंपोनेंट निकालना है। तो इस कंपोनेंट को हम लोग देख सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं, कि अगर हमारे पास हम इसमें से ये तीनों निकाल दें TSI, तो हमारे पास क्या बनता है, साइक्लिक बच जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, इस TS को निकालेंगे। जब हमारे पास टी और एस की वैल्यूज गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टी एस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आई बच जाएगा। और फिर इस आई को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मूविंग एवरेज का मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग टी एस को कंप्यूट करेंगे। टी एस को हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टी गिवन है और यहाँ पर एस जो कि परसेंटेज में वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम इस परसेंटेज की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे सिंपल वैल्यूज में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को 1 by 1 हम 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम 81.15 को अगर हम 100 पर डिवाइड करें, तो हमारे पास आता है 0.8115 आ गया। अब हम इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास एस की आई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टी की वैल्यू से, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 78.2 को 0.8115 से, तो हमारे पास आया 63.4593 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस टी एस को निकालेंगे, हमारे पास जो वाई है, वाई हमारे पास जैसे टी एस सी आई था हमने कहा, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू पे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई, इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। 72 को हमने डिवाइड किया किसके ऊपर, 63.4593 पर, तो ये आ गया हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1.1345, हम इसको यहाँ तक ही ले लेते हैं। तो यहाँ ये आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास y आ गया, y में हमारे पास क्या आ गया है, सी आई आ गया, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज में नहीं है, जबकि हमारे पास क्या होता है, सी और आई दोनों ही परसेंटेज में होती हैं वैल्यूज। तो इसे परसेंटेज में बनाने के लिए ये जो हमारे पास सी आई की वैल्यू आई है, क्या करेंगे इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 113.45 आ गया। इसी तरीके से हम लोगों के पास जो बाकी क्वार्टर हैं और ईयर्स की वैल्यूज़ हैं, उनको भी हम इसी तरीके से हर एस की वैल्यू को 100 पर डिवाइड कर लिखेंगे, फिर उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग ट्रेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई। तो इन वैल्यूज़ को हम कंप्यूट कर लिख लेते हैं।
जबकि ये जो लास्ट कॉलम है इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ये तमाम की तमाम वैल्यूज चाहिए। तो इसको अभी हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को कंप्यूट कर अपने पास यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर निकाल कर लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे इस लास्ट कॉलम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सी आई है, इस आई को यानी इररेगुलर को या रेंडम नॉइस को निकालने के लिए हम लोग मूविंग एवरेज का मेथड यूज़ करेंगे। मूविंग एवरेज का मेथड जिसे हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एवरेज मूव हो रही होती है, इसलिए इसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं, यानी अरिथमेटिक एवरेज। इसमें ऑब्जर्वेशंस मूव होती हैं, किस तरीके से कि यहाँ पर हम लोग 3 ईयर्स का ले लेते हैं, कि हमारे पास जो 3 ईयर मूविंग एवरेज है उसको लेते हैं, कि तीन तीन सालों की जो साल में जो हमारे पास तीन तीन क्वार्टर्स हैं उसकी वैल्यूज़ को हम लेकर यहाँ पर चलेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, 113.45 तक हम इस वैल्यू को ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, प्लस आ गई 102.01 पर ले ली, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी इसी तरीके से 99.34 आ गई। इन तीनों को हम ऐड करेंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो पहली मूविंग एवरेज आएगी जिसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन को छोड़ देंगे क्योंकि हम बीच वाली के सीक्वेंस में लिखते हैं, जो कि क्या है 102 बनती है, तो वो क्या आती है हमारे पास 104.94। अब हम जब नेक्स्ट के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू को, जो ये वाली हमारे पास वैल्यू बन रही है 113, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि इसको निकाल देंगे, इसको हम रेज कर लेते हैं। तो हमने उसको रेज कर दिया, तो अब हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस तो 3 ही रही, लेकिन अब हमने उससे जो नेक्स्ट ईयर की थी उसको ले ली, तो अब हमारे पास मिड वैल्यू यहाँ पर क्या है 99.34। तो इसके सीक्वेंस में हम लोग इसी तरीके से तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, आ जाएगा 99.58। तो इन वैल्यूज़ को भी हम निकाल कर लिख लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इस तरीके से आएंगी। हमने यहाँ पर निकाल कर तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया है, तो ये हमने क्या किया, हम लोगों ने साइक्लिक जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन बन रही थी, तो रिलेटिव्स थे, वो यहाँ पर कंप्यूट करके अपने इस लास्ट कॉलम में लिख लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था एनालाइजिंग द साइक्लिक वेरिएशंस। एनालाइजिंग करने के लिए हम लोगों ने देखा कि साइक्लिक वेरिएशंस को हम लोग किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं अपनी टाइम सीरीज में से।